Hey, what's up guys? Welcome back to my channel, Udit Vlogs. So guys, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि न्यू ड्राइवर्स अपनी कार को प्रॉपर तरीके से पार्क कैसे करें अगर उनके सामने अलग अलग कंडीशन हो। तो गाइज वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि गाइस चैनल पे ऑटोमेटेड वीडियो डिवाइड अपनी मॉडिफिकेशन वीडियो एंड बाइक से रिलेटेड वीडियो आती रहती है। तो गाइस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो गाइस सबसे पहले कंडीशन लेते हैं कि अगर आपको अपनी कार कोई स्टेबल रोड पे स्टेबल सरफेस पे पार्क करनी होती है डेली, तो आप अपनी कार कैसे पार्क करें। तो गाइस उस कंडीशन के अंदर अगर आपके सामने कोई भी टेपर या कोई अप हिल या डाउन हिल नहीं है, सिर्फ स्टेबल सरफेस है, बिल्कुल प्लेन सरफेस है, तो उस कंडीशन के अंदर आपको अपनी कार जो पार्क करनी है सिर्फ कार का हैंड ब्रेक यूज करके आपको अपनी कार पार्क करनी है। एंड गाइस अब लेते हैं दूसरी कंडीशन। अगर आपकी कार हमेशा आप अपनी कार पार्क करते हैं अप हिल डायरेक्शन में, मतलब सामने आपके चढ़ाई होती है, तो गाइज आप डेली अपनी कार को कुछ ऐसे पार्क करते हैं ऐसी कंडीशन में, मतलब आपके सामने अप हिल से है, मतलब टेबल टाइप की कोई रोड है, तो गाइज ऐसी कंडीशन में आपको अपनी कार जो पार्क करनी है वो करनी है कार का हैंड ब्रेक यूज करके एंड कार का फर्स्ट गियर यूज करके आपको अपनी कार पार्क करनी है। तो गाइज मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, ऐसी कंडीशन में मतलब आपकी कार अगर अप हिल्स के अंदर पार्क होती है टेपर के अंदर, तो ऐसी कंडीशन में आपको अपनी कार का सिर्फ हैंड ब्रेक यूज करना है एंड कार का फर्स्ट गियर यूज करके आपको अपनी कार पार्क करनी है। गाइस अब बात करते हैं कि अगर आप अपनी कार डाउन हिल्स के अंदर पार्क करते हो, मतलब डाउन साइड में आपका जो कार का फ्रंट पार्ट होता है वो होता है एंड अपर साइड में आपका जो बैक पार्ट है वो होता है, तो गाइस अभी आप नोटिस करते हो ये डाउन हिल है, तो ऐसे में आपको अगर अपनी कार पार्क करनी हो तो ऐसी कंडीशन में गाइस आपको क्या करना है, आपको अपनी कार का हैंड ब्रेक यूज करना है, देन उसके बाद आपको अपनी कार का जो बैक गियर है वो यूज करके आपको अपनी कार पार्क करनी है। तो गाइज मैं वापस से रिपीट करता हूं, अगर आपको डाउन हिल्स के अंदर अपनी कार पार्क करनी है तो ऐसे में आपको अपनी कार का सिर्फ हैंड ब्रेक यूज करना है एंड कार का बैक गियर यूज करके आपको अपनी कार प्रॉपर पार्क करनी है। एंड गाइज अब बात करते हैं फोर्थ कंडीशन के बारे में। तो गाइज जो न्यू ड्राइवर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जब भी अपनी कार को रैंप के ऊपर पार्क करते हैं, जो आपने घर का रैंप देखा होगा काफी टेपर के अंदर होता है ऐसे, एंड काफी जो न्यू ड्राइवर्स होते हैं वो क्या करते हैं अपनी कार वॉश करते हैं रैंप के ऊपर खड़ी करके, तो उनको काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है एंड वो क्या करते हैं डबल सेफ्टी के लिए अपनी कार के पीछे ईंट पत्थर काफी बड़े बड़े ईंट पत्थर लगा देते हैं, वो सोचते हैं कि ऐसे नहीं करेंगे तो उनकी कार पीछे की तरफ मूव हो जाएगी। तो गाइज फोर्थ कंडीशन के अंदर क्या करना है आपको, अगर आपको अपनी कार रैंप के ऊपर खड़ी करनी है जो घर का रैंप होता है और काफी टेपर के अंदर है, या फिर आपको अपनी कार वॉश के लिए लगानी है रैंप पे, तो ऐसी कंडीशन में भी आपको क्या करना है आपको अपनी कार का हैंड ब्रेक यूज करना है एंड कार का फर्स्ट गियर लगा के आपको अपनी कार रैंप के ऊपर खड़ी करनी है एंड डबल सेफ्टी के लिए आप छोटा मोटा कोई पत्थर लगा सकते हैं, लेकिन गाइज सिर्फ ये दो चीज करने से आपकी कार कहीं भी नहीं जाएगी अगर आपने प्रॉपर तरीके से हैंड ब्रेक लगाया होगा एंड गियर लगाया होगा। तो गाइस काफी लोग क्या करते हैं हैंड ब्रेक जब भी लगाते हैं वो ये वाला बटन दबा के हैंड ब्रेक लगाते हैं, तो गाइस आपको हैंड ब्रेक ऐसे नहीं लगाना, आपको जब हैंड ब्रेक लगाना हो तो आपको सिर्फ हैंड ब्रेक का जो ये लीवर है इसको खींचना है अच्छे से और जैसे ऐसी नॉइज करें तो आप समझ जाना हैंड ब्रेक लग गया, एंड जब आपको रिलीज करना हो डाउन करना हो तब आपको ये बटन प्रेस करना है, उससे पहले नहीं करना। काफी न्यू ड्राइवर्स का क्या गलती करते हैं ये बटन दबा के हैंड ब्रेक यूज करते हैं, तो गाइस ये गलत रहने वाला है, आपको हैंड ब्रेक जब यूज करना हो तो सिर्फ आपको लीवर को ऊपर की तरफ खींचना और ऐसी साउंड करे तो इसका मतलब आपका हैंड ब्रेक अच्छे से लग गया है एंड जब रिलीज करना हो तो ये बटन प्रेस करके आपको ऐसे रिलीज करना है। तो गाइस टेपर के अंदर इस तरीके से आपको खड़ी करनी है एंड डबल सेफ्टी के लिए थोड़ा बहुत छोटा मोटा पत्थर लगा सकते हो, लेकिन गाइस अगर ये तरीके दोनों चीज तरीके से लगा ली तो कहीं भी कार आपकी नहीं जाएगी चाहे कितना ही ऊंचा टेपर क्यों ना हो। गाइस अब बात करते हैं फिफ्थ कंडीशन के बारे में। तो गाइस आपने नोटिस किया होगा काफी कार ओनर होते हैं जिनको काफी ट्रेवल करना होता है और वो अपनी कार पार्किंग के अंदर एक वीक के लिए या फिर एक मंथ के लिए खड़ी कर जाते हैं और अपनी कार कुछ इस तरीके से खड़ी करके रखते हैं, वो अपनी कार का सारा चीज यूज करते हैं, हैंड ब्रेक भी, कार का गियर भी एंड कोई भी ईंट पत्थर यूज करके अपनी कार को लॉन्ग टाइम के लिए पार्किंग के अंदर छोड़ जाते हैं। तो गाइस आपको क्या करना है, आपको अपनी कार अगर लॉन्ग टाइम के लिए पार्किंग के अंदर खड़ी करनी है तो आपको अपनी कार का सिर्फ जो गियर है वो फर्स्ट गियर यूज करके आपको अपनी कार पार्क करनी है, हैंड ब्रेक यूज नहीं करना, क्योंकि गाइस सपोज करो अगर आप अपनी कार समर सीजन के अंदर खड़ी करके जाते हो जहां पे बारिश वगैरह हो रही है तो ऐसे में क्या होगा गाइस जो पीछे के ब्रेक पैड होंगे जिससे आप हैंड ब्रेक लगा के खड़ी करके गए तो पीछे के जो ब्रेक पैड होंगे कहीं ना कहीं चिपक जाएंगे अगर आपकी कार ओल्ड कार होगी, तो ऐसे में आपकी कार के जो ब्रेक पैड है वो काफी टाइम बाद रिमूव होंगे, काफी चिपक जाते हैं, तो ऐसे में आपको काफी प्रॉब्लम होने वाली है, तो इसलिए आपको अपनी कार अगर लॉन्ग टाइम के लिए पार्किंग अंदर खड़ी करके जा रहे हो तो सिर्फ कार का फर्स्ट गियर यूज करके आपको अपनी कार पार्क करके जानी है। बात करते हैं सिक्स्थ कंडीशन के बारे में। तो गाइस काफी न्यू ड्राइवर होता है जिनको कुछ आइडिया नहीं होता और वो क्या गलती करते हैं, जब भी अपनी कार वॉश करते हैं तो वॉश करने के तुरंत बाद जब वो अपनी कार पार्क करते हैं
तो हैंड ब्रेक यूज करके उसके बाद अपनी कार पार्क करते हैं, तो गाइज ये गलत रहने वाला है, क्योंकि गाइज ऐसे में अगर आप अपनी कार पार्क करते हो तो कहीं ना कहीं आपकी कार कहीं ना कहीं गीली होगी और ऐसे में आपके जो पिछले ब्रेक पैड है वो चिपकने के चांस रहेंगे। तो गाइज जब भी आप अपनी कार को वॉश करें उसके तुरंत बाद आपको सिर्फ अपनी कार फर्स्ट गियर में डाल के आपको अपनी कार पार्क करनी है, हैंड ब्रेक का यूज नहीं करना है। एंड गाइज मैंने खुद से जो ओल्ड कार होती है उसके जो पिछले टायर है वो जाम होते हुए देखे हैं वो इस कंडीशन में, क्योंकि गाइज वो लॉन्ग टाइम के लिए अपनी कार है वो हैंड ब्रेक यूज करके कार पार्क कर जाते हैं और ऐसे में उनके जो ब्रेक पैड है वो चिपक जाते हैं और पिछले टायर बिल्कुल जाम हो जाते हैं, आसानी से उनके टायर मूव नहीं करते। तो गाइज इसलिए आपको अलग अलग कंडीशन में अपनी कार इस तरीके से पार्क करनी है। तो आई होप गाइज आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि इस चैनल पर ऑटोमेटेड वीडियो डिवाइड अपनी नोटिफिकेशन वीडियो एंड बाइक से रिलेटेड वीडियो आती रहती है। तो गाइज वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। We'll be right back.